एवरीवन, मैं वर्षा अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टेकमेट एजुकेटर। तो जैसे कि एनटीए ने डेट अनाउंस कर दी है, एग्जाम आपका 17 से 25 के बीच में होगा, तो इसलिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करने की सोची है। ये सीरीज होगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको हम टिप्स एंड ट्रिक के साथ कंप्लीट करेंगे। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑलवेज देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है LCS, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंसेस। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि सब सिक्वेंस होती क्या है। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता कि सब सिक्वेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सब सिक्वेंस का मतलब है, इट इज अ सिक्वेंस दैट अपीयर इन सेम रिलेटिव ऑर्डर। एग्जाम्पल लेते हैं एक, इफ ए बी सी डी ई एफ जी, लेट सपोज दिस इज अ सिक्वेंस एंड आपको इसकी सब सिक्वेंसेस फाइंड करनी है। तो सब सिक्वेंस का मतलब है कि आपकी सिक्वेंस ऑर्डर तो वही रहेगा, बट आपकी जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस हो। जैसे अगर इसकी सिक्वेंस क्या होगी, ए बी सी, यू कैन टेक ए बी डी, यू कैन टेक बी डी ई और यू कैन टेक सी एफ जी। तो आप कहीं से कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें कंटिन्यूअस लेना है, बट ऑर्डर वही रहना चाहिए। दैट मीन्स कि आप बैकवर्ड नहीं जाएंगे। अगर आपने बी चूज कर लिया है तो बी के बाद आप ए नहीं लिख सकते, दिस इज अ रॉन्ग वे। अगर आपने डी चूज कर लिया है, डी से आप अपनी सबसिक्वेंस स्टार्ट कर रहे हैं, तो डी के बाद आप सी नहीं लिख सकते। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सबसिक्वेंसेस। तो अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि आपको दो सबसिक्वेंसेस दी जाएंगी, उसमें आपको इसी तरीके की कॉमन सिक्वेंस फाइंड करनी है जो दोनों स्ट्रिंग में हो। अब ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जिसको आप अगर एल्गोरिथम से करेंगे तो मैंने मानती कि आपको 2 मिनट तो लगेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ एल इज द लेंथ ऑफ एलसीएस एंड एन इज द नंबर ऑफ एलसीएस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10L+N। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएस का ईच एंड एवरी टाइप का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों स्ट्रिंग में से जो स्ट्रिंग फाइंड आउट होगी उसकी लेंथ क्या होगी। सबसे लंबी, सबसे लॉन्गेस्ट सब सिक्वेंसेस हमें फाइंड करनी है और वो कितनी होंगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बी से। तो इफ अगर मैं बी से स्टार्ट करती हूं तो बी आपका दूसरी सिक्वेंस में यहां पर लिखा है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसके आगे जितने भी लेटर्स हैं वो 3 हैं, तो अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो कॉमन सिक्वेंस बनेगी बी, उसके बाद आपका सी मैच हुआ, देन फिर आपका बी मैच हुआ। तो अभी इसकी लेंथ आ रही है ओनली 3, बट क्या हम इससे लॉन्गेस्ट सिक्वेंस भी फाइंड कर सकते हैं? तो अगर हम बी से स्टार्ट करेंगे तो ऑलवेज देयर इज अ सिक्वेंस ऑफ लेंथ 3। तो अभी हम ट्राई करेंगे कि इससे लॉन्गेस्ट सिक्वेंस फाइंड आउट करें। तो नाउ वी शुड स्टार्ट फ्रॉम सी। तो हमारा स्टार्टिंग लेटर क्या होगा, सी। अब सी से सी मैच हुआ, सी के बाद आपको मिला डी, सी से डी मैच हुआ, देन डी के बाद अगेन सी, फिर मैच हो गया एंड देन बी। तो आपकी लेंथ क्या हो गई, 4। क्या अब आप इसी लेंथ की कोई और सीक्वेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक है, तो सी के बाद अगर मैं डी को छोड़ दूं तो अगेन सी आएगा, नहीं मैच हो पाएगी। तो सी, सी के बाद फिर आपने ए लिया, सी के बाद ए मैच हुआ एंड ए के बाद बी और बी के बाद सी। तो हम बैकवर्ड नहीं जाएंगे, ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, चाहे आप बीच में से कोई भी लेटर को छोड़ दें, स्किप कर सकते हैं, कंटिन्यूटी जरूरी नहीं है, बट आपका ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए। तो सी ए बी सी फर्स्ट सीक्वेंस, सेकंड सीक्वेंस। क्या हम कोई और फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखिए सर्च करते हैं सी। अब अगर आप फर्स्ट स्ट्रिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप एक ऑप्शन ऐसा भी कर सकते हैं कि आप वाई से स्टार्ट करें। तो अब देखो, हम सी को सी से मैच किया,
देन सी के बाद ए, ए को हम ले चुके हैं तो हम क्या करते हैं इसको स्किप कर देते हैं। सी के बाद फिर हम डी को लेते हैं, सी के बाद डी एंड डी के बाद बी और बी के बाद अगेन सी। तो यहां पर मेरे पास थ्री कॉमन सबसिक्वेंसेस आ रही, तो दैट मींस हमने लिखा था एल इज द लेंथ ऑफ एलसीएस, तो एल कितना हो गया लेंथ जो कि है हमारी फोर, एंड एन इज द नंबर ऑफ एलसीएस जो कि हमने काउंट करी है थ्री। अगर आप देखेंगे तो आप इन तीनों सबसिक्वेंसेस के अलावा कोई और सबसिक्वेंसेस फाइंड नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स 10 इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 43। योर राइट आंसर इज 43। और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक और दूंगी कि जितने भी क्वेश्चन एलसीएस के आते हैं अधिकतर ये कॉमन देखा गया, एनालिसिस किया गया है कि ऑलवेज जो लेंथ आती है वो 4 ही आती है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसकी लेंथ को 4 ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपसे नंबर ऑफ एलसीएस पूछा गया तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। जनरली क्वेश्चन में ओनली एलसीएस की लेंथ ही पूछी जाती है, नंबर ऑफ सबसिक्वेंसेस कम पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि इस आपको मैं और ही ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करूं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे।